तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम जैसा कि आप सभी को मालूम है आने ही वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, इसमें आज की इस वीडियो में कई लेखक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताऊँगा और साथ में उसका आंसर भी बताता हूँ, तो वो भी बताऊँगा। तो आप वीडियो को सही से देखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीन ले लीजिएगा, अदरवाइज उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत्यान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन एक मिल जाता है गाजीपुर, बी नंबर है फैजाबाद, सी नंबर है आजमगढ़ और डी नंबर है बनारस। और इनमें से कौन सा राइट आंसर है जिन स्टूडेंट को मालूम है वो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, आजमगढ़। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत्यान किस वाद के हामी बने? नंबर एक साम्यवाद, बी नंबर प्रगतिवाद, सी नंबर है नकेनवाद और डी नंबर है प्रयोगवाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साम्यवाद, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवाद के हामी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोर का तारा एकांकी किसकी है? नंबर एक निराला, बी नंबर जगदीश माथुर, सी नंबर मोहन राकेश, डी नंबर पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर जगदीश माथुर। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आज किस वीडियो में कई लेखकों के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये जो भोर का तारा एकांकी वो जगदीश माथुर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लहरों के राज हंस किसका नाटक है? तो नंबर एक है भुवनेश्वर, बी नंबर उदय शंकर भट्ट और सी नंबर है मोहन राकेश और डी नंबर है रामदेवी। तो लहरों के राजवंश नाटक है मोहन राकेश का, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मोहन राकेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? नंबर एक जयशंकर प्रसाद, बी नंबर गुलाब राज, सी नंबर कमलेश्वर और डी नंबर अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कमलेश्वर, सी नंबर। कमलेश्वर ने मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरे तले जमीन को पूरा किया था, उन्होंने आधा अधूरा था तो कमलेश्वर ने पूरा किया था, इसलिए राइट आंसर सी नंबर कमलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत्यान का जन्म कब हुआ था? नंबर एक 1905 और बी नंबर है 1980 और सी नंबर है 1893 और डी नंबर है 1908। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1893 ईस्वी में राहुल संकृत्यान का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रीयता की मौज का तकाजा हिंदी भाषा को माना? तो नंबर एक है पंत, बी नंबर है अज्ञे और सी नंबर राहुल संस्कृत्यान, डी नंबर है केशववाद। ठीक है, केशवदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, राहुल संस्कृत्यान, राष्ट्रीयवाद की मौज का तकाजा हिंदी भाषा को माना है राहुल संस्कृत्यान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? नंबर एक है 1917 और बी नंबर 1915, सी नंबर 1900 और डी नंबर 1920। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जन्म और मृत्यु इनके और कहाँ पर हुआ था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर डेली 7 बजे आप लोगों को हिंदी की क्लासेज, बीए की क्लासेज मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप डेली ज्वाइन करिए 7 बजे। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव थे? नंबर एक ऑप्शन है बिहार, बी नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर ऑप्शन है गुजरात। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ए नंबर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर बिहार राज्य के शिक्षा सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा एकांकी का रचना काल क्या है? नंबर एक है 1945 और बी नंबर है 1925, सी नंबर है 1950 और डी नंबर है 1960। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, 1960 ईस्वी में भोर तारा एकांकी की रचना हुई थी। ठीक है, रचना काल ये है, रचना वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी बांसुरी 1936 के एकांकीकार कौन है? नंबर एक मोहन राकेश, बी नंबर जगदीश चंद माथुर और सी नंबर प्रसाद और डी नंबर है निराला। तो मेरी बांसुरी
1936 के एकांकीकार जो हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, जगदीश सिंह माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जगदीश माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक है बहराइच, बी नंबर है खुर्जा और सी नंबर है बाराबंकी, डी नंबर है सुल्तानपुर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था वो हुआ था खुर्जा में, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत माथुर जी संयुक्त सचिव रहे? तो ऑप्शन नंबर एक है गृह, बी नंबर है वाणिज्य और सी नंबर है कृषि और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, कृषि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से लहरों के राज हंस का रचनाकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है 1964, बी नंबर 1955 और सी नंबर है 1963 और डी नंबर है 1935। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ बताइए हमें। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी नंबर 1963 में, ठीक है। रचना वर्ष है 1963, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किस केंद्र में रखकर लिखा गया था? तो नंबर एक है कालिदास और बी नंबर विलोम, सी नंबर है मातुल, डी नंबर है दंतुल, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक, ठीक है, कालिदास केंद्र में रखकर लिखा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्न में से हूँ किसकी कृति है? एक कृति है जिसका नाम है हूँ, तो वो उसकी किसकी कृति है? नंबर एक बिहारी, बी नंबर रामविलास शर्मा, सी नंबर है अज्ञेय और डी नंबर है मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है हूँ जो कृति है वो मोहन राकेश की है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो गया। ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये हूँ एक कृति है, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने मोहन राकेश ने इसे लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का दिन रचना वर्ष क्या है? ठीक है, आषाढ़ का दिन जो नाटक है, ठीक है, इसकी जो रचना वर्ष है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर एक है 1950, बी नंबर है 1958, सी नंबर है 1916 और डी नंबर है 1960। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 1958 ईस्वी में आषाढ़ का दिन नाटक की रचना हुई थी, ठीक है, बी नंबर 1958। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राहुल जी का निधन कब हुआ था? तो नंबर एक है 1963, बी नंबर है 1970, सी नंबर 1990 और डी नंबर 1960। तो राहुल संस्कृत्यान जी की बात हो रही, तो राहुल जी लिखा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, राहुल जी संस्कृत्यान। तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1963 ईस्वी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 1963 में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो अभी तक आपने ऊपर देखा राहुल संस्कृत्यान की बात हुई थी, अब जगदीश माथुर का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर एक है 1985, बी नंबर है 1995 और सी नंबर है 1980 और डी नंबर है 1978। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1978 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के जो जन्म है उनको बता दिया, कहाँ पर हुआ था वो बता दिया, मृत्यु भी बता दी, यानी कि कहाँ पर निधन हुआ था इनका वो भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सीरीज में कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हूँ कृति की कौन सी विधा है? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि हूँ किसकी कृति है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि हूँ जो कृति है वो कौन सी विधा की है। तो नंबर एक है ध्वनि नाटक, बी नंबर है गीत नाटक और सी नंबर है काव्यात्मक और डी नंबर है बीज नाटक। तो हूँ जो कृति है वो कौन सी विधा की है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर बीज नाटक। हूँ बीज नाटक कृति जो है वो, सॉरी क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कैसे होगा, तो जो हूँ कृति की विधा है वो बीज नाटक है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि ये इतने ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतने बताए हैं, ठीक है। और ज़्यादा मैं क्वेश्चन बताता तो वीडियो लंबी हो सकती थी, जिसलिए आप लोग डिस्टर्ब होते या फिर आप लोग बोरिंग होता, इसलिए मैंने
थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जितने भी लिए हैं इंपॉर्टेंट लिए हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये सारे क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जिन स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूं कहां पर मिलेंगे इनकी PDF और सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों। वीडियो के डिस्कशन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, जहां पर लिखा है sandeepinfo.com। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लेखक के कवि के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। जैसे बिहाई लाल, तुलसीदास, कबीरदास, महावीर प्रसाद, अजय प्रसाद, बहुत सारे कवि की मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो इसका भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सारे क्वेश्चन वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन भी पढ़ लीजिएगा, और PDF भी डालने की कोशिश करूँगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्कशन मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं बहुत सारे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्कशन में है दोनों का। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।